हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। आज हम लोग महत्वपूर्ण कहे तो करेंट अफेयर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमेशा चर्चा में रहा है, आप विगत कई महीनों से आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे होंगे तो आज का अगर हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये पॉइंट कुछ दिन पहले चर्चा में रहा और न्यूज़पेपर में छाया रहा। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो पॉइंट हो जाता है हमारे पास, जो ये जो जितने भी कंटेंट हम देख रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम के व्यू से ही बनाया गया है, मतलब एग्ज़ाम के पर्पस से इसको तैयार किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, PCS के लिए भी है और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण जो कंटेंट की बात करें, या कहें कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैगजीन भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारा चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो पता ही होगा कि ये करेंट अफेयर्स जो है ये अथाह एक समुद्र की तरह है। इसमें बहुत समय लगता है, करेंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए 2-4 महीनों में तैयार नहीं हो जाता, इसके लिए समय देना पड़ता है। जिस तरीके से आप इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में टाइम देते हैं उसी तरीके से। तो चलिए हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे, महत्वपूर्ण है आपके करेंट अफेयर्स के लिए। और बहुत सारे कहें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन और जो चर्चा में रहा है, जो भी चर्चा में जाता रहा है, जो लगता है कि शायद ये प्रश्न बन सकता है, 70 BPSC हो या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, पूछा जा सकता है, उसी को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट भी चर्चा कर लिया जाए, पॉइंट बाय पॉइंट इसको चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, UPSC स्टेट PCS प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि राहुल नवीन को ED के निदेशक बनाए गए हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ED के निदेशक कौन बनाए गए, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बने हैं। तो ये आपके हो जाते हैं राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनको एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मंकीपॉक्स, जिसे डब्ल्यू एच ओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न साइंस टेक में भी पूछे जाते हैं और हो सकता है ऐसे प्रश्न से संबंधित साइंस में, जैसे बायो में, हो सकता है यहाँ से आपको पूछ दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। और जब WHO ने इस मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया तो ये एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, थाईलैंड की कोर्ट ने PM श्रिथा थाविशीन को पद से बर्खास्त किया है। पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा कंट्री है जहां के कोर्ट ने वहां के PM को बर्खास्त कर दिया, तो ये थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड के कोर्ट ने PM जो है श्रिथा थाविशीन को पद से बर्खास्त कर दिया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पार्वथानिनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के तौर पे किसको नियुक्त किया गया, तो पार्वथानिनी हरीश हो जाते हैं, हरीश हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग इसमें देखते हैं, उसके बाद देखिए डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण किया है। किसने किया, तो डीआरडीओ ने किया। पूछा जा सकता है आपसे कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ये ग्लाइड बम है जिसका नाम है गौरव का सफल परीक्षण किया है, DRDO के द्वारा हुआ है इसका सफल परीक्षण। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहली स्वदेशी यानी कि देश में बना गया है
बनाया गया है पहला डेंगू वैक्सीन है जिसका नाम है डेंगियोल, जिसका नाम है डेंगियोल। यह डेंगू के लिए वैक्सीन तैयार किया गया और यह पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन हो जाता है जिसका नाम है डेंगियोल। इसको पेनेसिया बायोटेक ने विकसित किया है। पूछा भी जा सकता है कि डेंगियोल को किसने विकसित किया और ये कैसा वैक्सीन है, तो ये स्वदेशी वैक्सीन हो जाता है। किस टाइप का वैक्सीन है डेंगियोल, तो डेंगू वैक्सीन बनाई गई पहली बार और ये पेनेसिया बायोटेक ने इसको विकसित किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेनेसिया बायोटेक ने इसे विकसित किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसरो ने एस एस एल बी D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS लॉन्च किया, EOS 08 लॉन्च किया। किसने, तो इसरो ने SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च किया है। भारत के 3 नए घोषित रामसर स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। भारत के तीन नए घोषित रामसर स्थल है, तमिलनाडु के नंजराय पक्षी अभ्यारण्य, एक है तमिलनाडु के नंजराय पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा हो जाता है कोझुवेली पक्षी अभ्यारण्य और नेक्स्ट जो तीसरा हम लोग देखेंगे वो मध्य प्रदेश का तवा जलाशय है जिसको अभी हाल ही में नया रामसर साइट घोषित किया गया है। जिस तरह से नया रामसर साइट, आपको पहला रामसर साइट हम लोग देखेंगे बिहार में तो कांवर झील हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा रामसर साइट जो घोषित किया गया है वो जमुई में है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। इसी तरीके से भारत के 3 नए घोषित रामसर स्थल हो जाते हैं। तमिलनाडु में 2 हो जाएंगे, तमिलनाडु के नंजराय पक्षी अभयारण्य और कोझुवेली पक्षी अभयारण्य हो जाएंगे और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। तो केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिया एट द रेट 100 का विमोचन किया गया। पूछा जा सकता है कि यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, तो केवी सुब्रमण्यम के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, तो प्रीति सूदन हो जाते हैं। केंद्र सरकार ने प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष जो है यह नियुक्त किया गया है और ये यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन हो जाते हैं, प्रीति सूदन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है, किसका, तो यहाँ पे देखिए आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है जिनका नाम है साधना सक्सेना। अगला पॉइंट है भारत ने श्रीलंका को बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये भारत ने श्रीलंका को अंतिम मैच में हराकर T20 सीरीज 3.0 से जीत हासिल किया है। किसने, भारत ने किसको हराया, श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा एशियाई शेरों पर परिमल थानवानी ने पुस्तक लिखा जिसका नाम है कॉल ऑफ द गीर। पुस्तक का लेखक पूछा जा सकता है, तो परिमल नाथवानी हो जाते हैं। ये जो कॉल ऑफ द गीर है किस पर बेस्ड है, तो एशियाई शेरों पर यह आधारित पुस्तक हो जाता है, एशियाई शेरों पर यह पुस्तक आधारित है जिसके लेखक परिमल नाथवानी है और पुस्तक का नाम है कॉल ऑफ द गीर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत पहले
बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी करेगा। पूछा जा सकता है कि तरंग शक्ति 2024 का मेज़बानी कौन करेगा, तो ये भारत हो जाता है। भारत पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। मनोज मित्तल ने, चलिए यहाँ पे देखते हैं, मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी के अध्यक्ष कौन है, तो सिडबी के अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं जिन्होंने प्रबंध निदेशक का पद जो है क्या किया, संभाल लिया। यानी कि सिडबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो मनोज मित्तल हो जाते हैं। यहाँ पे मनोज मित्तल हो जाते हैं। अगला देखते हैं, सेबी के निवेशकों की सहायता के लिए चैटबॉट सेवा का अनावरण किया गया। चैटबॉट सेवा का अनावरण जो है किसने किया, तो सेबी के निवेशकों की सहायता के लिए इसका निर्माण किया गया। सेबी की निवेशकों की सहायता के लिए चैटबॉट सेवा का अनावरण किया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट, वर्ष 2024 में अर्थ ओवरशूट डे 1 अगस्त को, जो वर्ष 2023 में 2 अगस्त को मनाया गया था। पूछा जा सकता है कि 2023 में कब मनाया गया अर्थ ओवरशूट डे, तो यहाँ पे 2 अगस्त को हो जाएगा, 2 अगस्त 2023 को मनाया गया, लेकिन 2024 में इसको 1 अगस्त को मनाया गया है। कौन सा, तो अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2024 में 1 अगस्त को मनाया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ओलंपिक में स्वप्निल मनुभाकर और सर्वजोत सिंह ने शूटिंग में क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता है। पूछा जा सकता है आपसे कि ओलंपिक में स्वप्निल मधुभाकर और सर्वजोत सिंह ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता, तो ये ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज इन लोगों ने जीता है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वप्निल कुशाले को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। पूछा जा सकता है कि पवन टरबाइन स्थापित किया गया बिजली उत्पादन के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, तेलंगाना विधेयक 2024 पारित हुआ है। कहाँ पे, तो तेलंगाना में इसको पारित किया गया। कौन सा विधेयक है, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना विधेयक 2024 ये पारित कर दिया गया है, और पारित करने वाला कौन सा राज्य है, तेलंगाना हो जाएगा। राज्य सरकारें SC ST श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सकेगी। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है और बहुत भयानक रूप से 21 अगस्त को ये पूरे भारत बंद रहने की संभावना है 21 अगस्त को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया SC ST के सब क्लासिफिकेशन को लेकर के, वही चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने ये काम किया, कोटे में कोटा है ना, सब कैटेगरी बना सकेगी, और ये अधिकार राज्यों को दिया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सौंपा है। अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपा क्या? तो यहाँ पे देखिए, पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है
वो अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपा है। और हमेशा देखते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में हमेशा युद्ध चलते रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। प्रति वर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। दिवस जो है पूछता है 20 से 25 दिवस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा पूछे जाते हैं, उसे हमेशा जहन में याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए, 3 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया गया। पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन रहेगा, कौन ऐसा कंट्री है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को बैन कर दिया, तो ये तुर्की हो जाता है। तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2024 लॉन्च किया। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म नीति 2024 क्या किया? लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने जेनेट यांग को क्या किया? अध्यक्ष चुना। एकेडमी ऑफ मोशन जो पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने जेनेट यांग को क्या किया? अध्यक्ष चुना है। जेनेट यांग को अध्यक्ष चुना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2024 में रैपिडो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया है। कौन? रैपिडो। कब? 2024 में। सोचिए इतनी अच्छी कमाई कर रहा है, तो 2024 में रैपिडो जो है यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग उपाय लागू करने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। और ये WTO ने इस चीज़ को घोषित किया। तो पहले मामले में देखेंगे तो अमेरिका है और दूसरे मामले में भारत हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है, इसलिए क्रम याद रहना चाहिए, कौन सा? तो 32वां। किसने उद्घाटन किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा मालदीव जो है कांडला सागर और विशाखापत्तनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकेगा। अब कौन? मालदीव के बीच में थोड़ा सा झड़प हो गई थी, लेकिन अब क्या है कि अब मालदीव जो है कांडला सागर का इस्तेमाल कर सकता है और विशाखापत्तनम सागर बंदरगाह का अपने लिए इस्तेमाल कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पांचवे गोल्डन स्लैम विनर बने टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। पूछा जा सकता है, क्रम भी याद रहना जरूरी है, पांचवे गोल्डन स्लैम विनर बने हैं टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। BSF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित होगा। कहाँ पे? लाहौल स्पीति कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, शेख हसीना ने
शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इससे प्रश्न हो सकता है आपके पीटी में भी बने, लेकिन मेंस में तो प्रश्न बनना ही बनना है। बांग्लादेश का और भारत का जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, क्रम में याद होना चाहिए, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 जो है, इसका आयोजन भोपाल में होगा। भोपाल में इसका आयोजन कहाँ पे, तो भोपाल में है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये फिजी हो जाएगा, फिजी। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक में किस शहर का नाम जो है रखा गया, तो ये देखिए उज्जैन हो जाता है, उज्जैन का नाम दर्ज किया गया। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर, यानी कि उज्जैन में बहुत सारे लोगों ने एक साथ डमरू बजाया और इसमें उज्जैन का नाम दर्ज किया गया है, उज्जैन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, उज्जैन हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, सरकार ने सीएम सेठी को, सरकार ने सीएस सेठी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है, सीएस सेठी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया, भारत ने किसके लिए, तो पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में। नेक्स्ट, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, और इसका आयोजन हुआ तमिलनाडु में। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सुराज्य समान और रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया, किसने, तो भारतीय गुणवत्ता परिषद ने इसको पेश किया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने सुराज्य समान और रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या किया, पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर होंगे भारत की ध्वजवाहक, भारत की ध्वजवाहक होंगे, नाम क्या है, तो मनु भाकर हो जाएंगे। एक बार और देखिए, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में कौन सा, तो पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर होंगी भारत की ध्वजवाहक। कमला हैरिस, यहाँ पे देखते हैं, कमला हैरिस आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, डेमोक्रेटिक ये इम्पॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक। कमला हैरिस आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दिनेश कार्तिक को SA20 लीग एम्बेसडर बनाया गया SA20 का, और जिनका नाम है दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बहुत भीड़ आई है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का किया है उद्घाटन,
यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत ने पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा कंट्री ने किया, तो ये मेज़बानी भारत ने किया है। भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो गए। अधिक वजन की वजह से, और माइनर वजन था, बहुत बड़ा वजन नहीं था, अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे अमित शाह ने ई साक्ष न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। ऐप से भी सवाल पूछे जाते हैं, किस ऐप का किससे संबंध है, किसने लॉन्च किया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अमित शाह ने ई साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया। किसने? तो अमित शाह ने। नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद यूनुस क्या है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। अगला पॉइंट हो जाएगा कुराकाओ कैरेबियन समुदाय का नवीनतम सहयोगी सदस्य बना है, है ना। कैरेबियन समुदाय का नवीनतम सदस्य कौन बना, तो कुराकाओ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। बेबी आइए, कैरेबियन समुदाय का, कैरियोकॉम का नया सदस्य कौन बना, तो कुराकाओ हो जाएगा। चर्चा में रही नंदनी सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च किया गया। यह नंदनी सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई है। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रजत किसने? नीरज चोपड़ा ने कहाँ पे, तो पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। और भारतीय रेसलर जो हैं, जिनका नाम है विनेश फोगाट, ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा विनेश फोगाट ने किया। और ये विनेश फोगाट भारतीय रेसलर हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज हैं ये, यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। चलिए क्या तैयार हैं हम, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें। अभी कहा जाता है कि भारत में 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत की आबादी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन 2021 में जो जनगणना पीस किया जाना था उसको तत्कालिक जो सरकार है जारी नहीं किया। कारण है, बहुत हो सकती है, बहुत वजह हो सकता है क्यों नहीं जारी किया, क्या वजह रहा। लेकिन उसके अनुसार कहा जाता है कि हमारा देश का जो आबादी है, हमारे देश की आबादी पूरी दुनिया में नंबर वन पे हो गई है। यहाँ पे देखते होंगे, कहा जा रहा है कि 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है 152.2 करोड़ हो जाता है। जनसंख्या बहुत ही खतरनाक है, विस्फोट होते जा रही है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, 2036 तक जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। अब यहाँ पे देखेंगे कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर कितना हो जाएगी, 65% हो जाएगा। और महिलाओं की आबादी
0.3% से बढ़कर 48.8% हो जाएगा, है ना। महिलाओं की आबादी 0.3% से बढ़कर के 48.08% हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे 15 साल से कम आयु के लोगों का अनुपात क्या होगा, घट जाएगा। 15 साल से कम आयु के लोगों का अनुपात घट जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी पॉइंट है कुछ। चलिए यहाँ भी देख लिया जाए, 2036 तक 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है। यानी कि लिंगानुपात जो हम लोग देख रहे हैं 2036 तक 900 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये संभावना है, यहाँ तक उम्मीद है रहने का 2036 तक। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 60 साल और उससे ज़्यादा की जनसंख्या के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। 60 साल से और उससे ज़्यादा के जनसंख्या में बढ़ोतरी देखा जाएगा। तो ये बहुत सारे आंकड़ा था जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग बात भी करते रहेंगे, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग एक बार ज़रूर अपने साथी संगियों के बीच में से शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।